सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसको आप केवल और केवल 2500 रुपये लगाकर स्टार्ट कर सकते हो। और गाइस, अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट को बनाने का जो कॉस्ट आता है 1 रुपया आता है, लेकिन मार्केट में उसको बड़े आसानी से 5 रुपये में बेचा जाता है। यूट्यूब पर पहला हमारा चैनल है जो आपको इस बिजनेस के बारे में इतना डिटेल में बता रहा है। तो समझ जाओ इस बिजनेस के बारे में, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं। तो अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आपको मुनाफा काफी अच्छा होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कंप्लीट डिटेल और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस बिजनेस के बारे में। गाइस, ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है और उस पर आपने काफी अच्छा रिस्पांस दिया। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपसे जिस बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूं वह फैब्रिक बटन मेकिंग बिजनेस। गाइस, अगर आपको नहीं पता है फैब्रिक बटन क्या होता है तो मैं आपको बताता हूं। फैब्रिक बटन का मतलब हो गया कि जो आप शेरवानी पर और भी बहुत सारे फैशनेबल कपड़ों पर या फिर लड़कियों के कपड़े पर या फिर बहुत सारे एसेसरीज में सजाने की चीज़ों में आप देखते होंगे बड़े साइज का बटन लगा रहता है और काफ़ी डिजाइनेबल, उस पर कपड़े का अलग अलग फैब्रिक लगाया रहता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो गाइस, वो जो बटन आप देखते हो मार्केट में जिसको बेचा जाता है वो करीब 5-6 और उससे भी ज्यादा रेट पर बेचा जाता है। लेकिन गाइस, अगर हम बात करें इसको बनाने की, तो इसको बनाने में कॉस्ट काफी कम आता है और इस बिजनेस को कोई भी स्टार्ट कर सकता है अपने घर से ही। तो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आपको कौन सी मशीन की जरूरत पड़ेगी और साथ में कैसे फैब्रिक बटन को बनाया जाता है, क्या स्टेप होता है, A to Z सब कुछ। जब यहाँ पर फर्स्ट टाइम खरीदोगे Amazon.com से, तो आपको सेट के साथ ये पूरा आपको अलग अलग सेल भी मिलेगा, मतलब पहली बार आपको मार्केट से कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले स्टेप कि आपको कैसे फैब्रिक बटन यहाँ पर बनाना है। पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस साइज का बटन बनाना चाहते हो। मैं यहाँ पर बड़ा वाला साइज का बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं जो यहाँ पर बड़ा वाला डाई है उसको मैं यूज करने वाला हूँ। तो बाकी पहले आपको करना यह है कि जो आपको ये डाई के साथ एक बड़ा वाला ये है, इसको आपको यहाँ पर नीचे इसमें डाल देना है और इसमें डालने के बाद यहाँ पर आपको इसको टाइट कर देना है। टाइट अच्छे से कर देना है आपको। टाइट करने के बाद आपके सामने जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, आपको स्प्रिंग को इसमें डाल देना है। स्प्रिंग को डालने के बाद आपका जो ये दिख रहा है, ये आपको इसको इसमें आपको यहाँ पर इस पार्ट को इस पर लगा देना है। लगाने के बाद हो गया नीचे वाला पार्ट सेट। उसके बाद आपके पास ये एक बड़ा वाला साइज का रह जाता है और एक ये रह जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो दोनों का बैक का है बिल्कुल सरफेस बिल्कुल प्लेन है और ऊपर का जो है कुछ इस टाइप का है। तो आपको जो बिल्कुल सरफेस को ध्यान रखते हैं आपको कुछ इस टाइप से इसको डाल देना है। यहाँ पर गाइस, आपके साथ पास जो यहाँ पर बटन सेल है, इसमें जो बड़ा वाला बटन सेल है आपको उसको निकाल लेना है। उसमें यहाँ पर दो पार्ट होता है बटन सेल में, एक होता है यहाँ पर हॉल वाला और एक होता है ऊपर वाला। तो आपको सबसे पहले जो हॉल वाला पार्ट है ये वाला हिस्सा आपको कुछ इस तरह से इसको यहाँ पर आपको इसको इसमें मशीन में डाल देना है। गाइस, आपको क्या करना है, सबसे पहले फैब्रिक लेना है। फैब्रिक लेने के बाद आपको फैब्रिक के ऊपर इसको डाल देना है, ऊपर वाले हिस्से को, ये जो आपका ये वाला हिस्सा है आपको फैब्रिक के ऊपर डाल देना है और आपको इसको इसमें यहाँ पर ऐसे डाल देना है। और इसको सारा जो जितना भी एक्स्ट्रा आपका फैब्रिक बच जाता है सबको आपको अंदर डाल देना है। अंदर डालने के बाद आपको इसको कुछ इस टाइप से इस पर डाल देना है। इस पर डालने के बाद आपका ये बटन को आपको जो हैंडल है इसको आपको प्रेस करना है। हैंडल को आप यहाँ पर तेज प्रेस करोगे, प्रेस करने के साथ ही जो आपका बटन है वो बन के रेडी हो चुका होगा। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा बटन है बन के रेडी हो चुका है। और जो फिलहाल मैं यूज करने वाला हूँ एक ये नेट वाला फैब्रिक है और ये वाइट वाला है, इन दोनों को मैं एक साथ यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो इसको मैं कुछ इस टाइप से यहाँ पर डाल देता हूँ और इसमें डाल देता हूँ। देखो, नेट का जो फैब्रिक है या जो भी अलग फैब्रिक है उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है और आपको सारा फैब्रिक को यहाँ पर अंदर डालना पड़ता है। अगर आपका बाहर रह जाता है कोई और बात होती है तो आपका ये खराब हो जाएगा। और देखो, हमारा चमचमाता हुआ दूसरा फैब्रिक भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। आपका प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है आप किस तरह का डिजाइन बनाते हो और किस तरह का फैब्रिक बनाते हो, उसी अकॉर्डिंग इसका रेट फिक्स होता है और उसी अकॉर्डिंग आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है। कोई मशीन खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक गिवन है, वहां से आप इस मशीन को खरीद सकते हो। और गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पर रॉ मटेरियल की, तो यहाँ पर जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो सबसे पहला रॉ मटेरियल यूज होता है आपका बटन का सेल, और बटन का सेल के साथ साथ आपका यूज होता है फैब्रिक।
मतलब कपड़े का जो भी आप फैब्रिक देना चाहते हो फैब्रिक, दो चीजों को मिलकर इसको बनाया जाता है। अगर बनाने की बात करें तो यहाँ पर आपको एक बटन को बनाने में जो टाइम लगता है वो करीब 10 से 15 सेकंड का लगता है, मतलब एक मिनट में आप बड़े आसानी से 4 बटन के आसपास बना लोगे। अगर हम बात करें यहाँ पर आप रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदोगे, तो फर्स्ट टाइम जब आप मशीनरी खरीदोगे तो जो आपको लिंक बना है वहां से तो आपको रॉ मटेरियल तो साथ में मिल जाएगा 2000 सेल का। लेकिन अगर आप ऑफलाइन इसको खरीदना चाहो, ऑनलाइन में आपको सजेस्ट नहीं करता, ऑफलाइन आपके मार्केट में आपके आसपास में जाओ और जो भी दर्जी वगैरह होते हैं उनसे आप पूछ सकते हो, या फिर जो भी जहां पर बटन वगैरह बेचा जाता है दुकान पे वहां पर आप होलसेल रेट पर खरीद सकते हो, वहां पर आपको काफी ज्यादा सस्ता मिल जाएगा। उसके बाद गाइस हम यहां पर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है मार्केट, क्योंकि हमने बना लिया बटन, बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हम यहां पर बटन को बेचेंगे कहां? तो गाइस इसका बेस्ट तरीका है सबसे नंबर वन पे वो है ऑनलाइन। ऑनलाइन आप अमेजन, फ्लिपकार्ट और भी बहुत सारी ऐसी साइट है जहां पर आप लिस्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात गाइस मैं आपको बताऊं, अगर आप ऑनलाइन बेचोगे तो आपका कस्टमर बेस काफी बड़ा हो जाएगा और यहां पर ऑनलाइन जो इसकी सप्लाई बहुत ही कम है, तो अगर आप बेचते हो ऑनलाइन तो आपके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आप चाहो, अगर आपको इतना आइडिया नहीं, इतना आप झंझट नहीं लेना चाहते, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन भी काफी अच्छा डिमांड है। ऑफलाइन गाइस आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि अगर आप चाहो, अगर आप ज्यादा प्रोडक्शन करते हो ज्यादा क्वांटिटी में, तो आप होलसेलर जो होते हैं उनको आप डायरेक्टली या फिर जो रिटेलर होते हैं उनको आप दे सकते हो, वो आपसे खरीद लेंगे और वो आपसे होलसेल रेट पर या रिटेल रेट पर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो आप उसी रेट पर अगर आप किसी दर्जी को या फिर जो भी लोग इस तरह के चीजों में डील करते हैं, जो बनाते जिनको इसका यूज होता है उसको अगर आप देते हो, तो आपको इसमें मुनाफा काफी अच्छा होगा, क्योंकि वो लोग आपसे उस रेट पर खरीदेंगे जो आपको उनको होलसेलर भी नहीं देता, तो कहीं ना कहीं आपका कस्टमर बेस बन जाएगा। तो गाइस उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूल, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा। बाकी आपसे मिलता हूं बहुत ही जल्दी एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और